करने के लिए अलग अलग क्रिया विधि के द्वारा संपादित नहीं करता था, लेकिन जीव था बहुत मुश्किल। उत्तक का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए अलग अलग अंग भी उसमें डेवलप नहीं किया। तो लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व जो है बहुकोशिक जीव से ही जिस अकशेरुकी जीव की उत्पत्ति हुई वह क्रियाशील हो गया, यानी उसके शरीर में उत्तक संगठित होकर के अंग की रचना किया और वह उसमें श्रम विभाजन भी हो गया। वह अंग अपने अपने कार्य को संपादित करना शुरू किया। ये हुआ क्रियाशील अकशेरुकी। क्रियाशील अकशेरुकी का उद्भव हो गया। इसके बाद आप कॉर्निका संघ में ही उसको वर्गीकरण किया गया था। उपसंघ में उसको दो संघ में बांटे हुए आप 11th क्लास में भी उसको पढ़े हैं और याद करेंगे। वो था एक नाथा और नेतो अस्टोमाटा, जबरा सहित और जबरा रहित। तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबरा रहित मछली यानी अब जो है कशेरुकी जीव का उद्भव हुआ। मछली जो है वह कशेरुकी जीव है, वर्टिब्रेट है। वो संघ उपसंघ वर्टिब्रेटा का सदस्य है जिसमें नोटोकॉर्ड जो है कशेरुक दंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कशेरुक दंड पाया जाता है, लेकिन कैसा? ये जबरा रहित। इसके बाद समुद्री खरपतवार की उत्पत्ति हुई। ये 320 मिलियन वर्ष पूर्व 350 मिलियन वर्ष पूर्व पंख वाली मछली का उद्भव हुआ। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर, अपने प्रेक्षण के आधार पर यही विकास का विवरण दिया है। और ये पंख वाली जो मछली थी 1938 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ये पंख वाली मछली से ही सिलाकेंथी, उसी के समान ये मछली का नाम है सिलाकेंथी मछली का उद्भव हुआ। उसमें भी पंख था। और फिर इसी सिलाकेंथी मछली से उभयचर जैसे जीव का उद्भव हुआ। उभयचर में आप उदाहरण में पढ़ते होंगे मेढक उभयचर जीव है, क्योंकि वह जल और स्थल दोनों में निवास करता है। सेलामांडर मेढक और सेलामांडर के पूर्वज के रूप में ना, यानी उभयचर के रूप में इसी सिलाकेंथी मछली से ही इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ। और जब ये विकसित हो गया तो विकसित होने के बाद कछुआ मगरमच्छ इसके उत्तराधिकारी माने गए। इसके बाद लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद अब उभयचर का उद्भव हो गया। विभिन्न आकृति के सरीसृप आए, सरीसृप हुआ रेप्टेलिया। अब बारी बारी से आप देखेंगे ये कॉर्डिटा का पीसीज वर्ग है, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग से कहां आया? एम्फीबिया उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग से रेप्टेलिया सरीसृप का उद्भव हुआ। उनमें से कुछ सरीसृप ऐसे थे जो डायनासोर के रूप में थे। डायनासोर कहने का शरीर विशाल था, बहुत लंबाई अब बहुत अधिक, लगभग 20 फुट ऊंचा। उसके दांत भी कटार के समान थे। और डायनासोर कहने का तात्पर्य है उनमें उड़ान भरने की भी क्षमता थी। इस प्रकार के विशाल रूप वाले जीव सरीसृप का उद्भव हुआ। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त होते गए और इस
ए बीज हुआ पक्षी वर्ग, रेप्टिलिया से ए बीज वर्ग का विकास हुआ। अब पक्षी वर्ग के बाद अस्तनधारी का विकास हुआ, मैमेलिया वर्ग का विकास हुआ। तो सबसे पहला था अस्तनधारी में हिप्पोपोटामस, भालू, अस्तनधारी घोड़ा, ये सब उत्तरी अमेरिका में विकसित हुए। और फिर उसी समय महाद्वीपीय की स्थापन के कारण अभी सारे विकास में ना आपको बतलाए थे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल कंगारू भी जीवित रह गए। इसके बाद वे डॉल्फिन, सेल, ये सब स्तनधारी है लेकिन ये जी समुद्री है, यानी समुद्री स्तनधारी का विकास हुआ। और तब स्थलीय स्तनधारी हाथी, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि जीव का विकास हुआ। इसके पश्चात मानव का विकास हुआ और मानव विकास के बाद इनमें भाषा, कौशल, आत्मबोध और स्वचेतना विकसित हुई। यही है विकास का संक्षिप्त विवरण।